नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनवार विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में भाजपा के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि भाजपा समर्थक मतदाताओं को मतदान क्षेत्र में जाने से रोकना, भ्रम फैलाना, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाना, बूथ पर मतदाताओं को प्रभावित करना आदि। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने हरकतों से बाहर जाएं। भाजपा सरकार बनते ही उन्हें बिना किसी विलंब के दंडित किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग, झारखंड के मुख्य सचिव और DGP से अनुरोध है कि वे ऐसे अधिकारियों की साजिश और प्रपंच को रोककर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करें। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।